रोहिलखंड एक ऐसी रियासत के रूप में इतिहास में जाना जाता है जो कि 1857 की जंगे आजादी की राजधानी बनी हुई थी। देहली की सल्तनत के कमजोर पड़ जाने के बावजूद उस वक्त भी रोहिलखंड का दबदबा कायम था, जब हिंदुस्तान की ज्यादातर रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभाव चढ़ चुका था। 1857 की जंग आजादी के नाकाम होने के बाद जहां पूरा हिंद अंग्रेजों के पंजे में जा चुका था, तब रोहिलखंड एक ऐसी रियासत थी जो इसके बाद भी एक साल से ज्यादा की मुद्दत तक आजाद रहा था। इसी रोहिलखंड के सबसे ज्यादा मशहूर सरदार हाफिज रहमत खान साहब वारच थे, जिन्होंने रोहिलखंड को बड़ी खूबसूरती से सजाया संवारा था। 23 अप्रैल 1774 को अंग्रेजी तोप के गोले से हाफिज साहब की शहादत हुई थी। हाफिज रहमत खान वारच साहब की पैदाइश 1708 ईस्वी में अफगानिस्तान के रोह नाम के इलाके में हुई थी, जहां से ये हिंदुस्तान आ गए थे और रोहिलखंड के संस्थापक नवाब अली मोहम्मद खान के यहां मुलाजिम हो गए। नवाब अली मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद क्योंकि उनके बेटे छोटे थे, इसलिए उन बेटों के संरक्षक के तौर पर काम कर रहे हाफिज रहमत खान के हाथ में रोहिलखंड की हुकूमत आ गई। 40 साल तक उन्होंने रोहिलखंड पर शासन किया, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत सौहार्द भरा वातावरण बनाए रखा। पीलीभीत में जहां आज भी हाफिज रहमत खान की बनवाई ऐतिहासिक जामा मस्जिद शान से खड़ी है, वहीं हाफिज रहमत खान साहब ने ही पीलीभीत के ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर का भव्य द्वार बनवाकर इतिहास में इस बात को अमर कर दिया है कि शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करता है। हाफिज रहमत खान ने अपने शासन में सभी धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, बल्कि हिंदू भाइयों को सरकारी नौकरियों में खास तौर पर शामिल किया। फौज में खत्री ठाकुर राजपूतों को शामिल रखते, दूतावास और नाजुक फराइज भी हिंदू भाइयों के सुपुर्द थे। बहुत अरसे तक मुंशी टेकचंद, फिर उनके बाद मुंशी चित्रभुज दूतावास पर रहे। हिंदू वैश्य भाइयों को खजांची के पद दिए जाते थे, कायस्थों को दफ्तरों में काम दिया जाता, यानी जैसा इन जातियों की पहले से प्रथा थी कि हम ये काम कर सकते हैं, तो इन हिंदू भाइयों की भावनाओं और क्षमताओं का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए हाफिज रहमत खान उन्हें पदों पर नियुक्त करते। दीवान जो कि प्रधानमंत्री के पद के बराबर का ओहदा था, उस पे तो खासतौर पर हिंदू भाई को ही पदस्थ किया करते। राजा मानराय, जिनके नाम 460 गांवों की जागीर की गई थी, एक अरसे तक दीवान रहे, उनको हर तरह के अधिकार दिए गए थे। हाफिज रहमत खान ने सलाहकार कमेटी में भी कई हिंदू भाइयों को शामिल किया था। हाफिज साहब को अपनी हिंदू मुस्लिम जनता से बेहद प्यार मिला। आपको इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। बरेली, आंवला, जलालाबाद, हाफिजगंज, बदायूं और पीलीभीत में आज तक उनकी बनाई इमारतें मौजूद हैं। हालांकि देखरेख के अभाव में सारी इमारतें खंडहर होती गई हैं। सिर्फ पीलीभीत की जामा मस्जिद अभी तक ठीक ठाक हालत में मौजूद है, जो 1769 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। अंग्रेजों ने रोहिलखंड पर कब्जा करने के लिए अवध के नवाब के साथ मिलकर रोहिलखंड पर हमला किया था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ अंग्रेज कर्नल चैंपियन की फौज ने रोहिलखंड पर चढ़ाई कर दी थी। हाफिज साहब की फौज ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया। इसी जंग के दरमियान 23 अप्रैल 1774 को अंग्रेजी तोप का एक गोला आकर हाफिज रहमत खान साहब को लगा, जिससे आप शहीद हो गए। हाफिज रहमत खान साहब की कब्र बरेली के किला इलाके में मौजूद है। ये मकबरा भी 1800 के आसपास बड़े खूबसूरत नक्कूश के साथ रोहिल्ला सल्तनत की आन बान शान बयान करता था, लेकिन मौजूदा दौर में हाफिज साहब के मकबरे की तस्वीर देखकर तकलीफ सी होती है।